जहीर इकबाल और सोनाक्षी की वेडिंग तस्वीरें खूब धमाल मचा रही है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां सोनाक्षी इस खास दिन पर इमोशनल होती हुई भी नजर आ रही है। हीरामंडी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अदिति राव हैदरी की सुंदरता पर उठाए सवाल। दरअसल उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है और बिना नाम लिए ही लिखा है कि कुछ नहीं, बस मैं किशोरों की तरह कपड़े पहने टॉक्सिक महिलाओं से मुंह मोड़ रही हूँ जो 10 सर्जरी के बाद नेचुरल होने की बात कर रही है। दीदी, किसी ऐसे व्यक्ति से झूठ मत बोलो जो तुम्हें 5 बार नाक की सर्जरी कराने से पहले जानता है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी अब कॉन्ट्रोवर्सी बनती नजर आ रही है। दरअसल पटना में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू शिव भवानी सेना ने आरोप लगाया है कि सोनाक्षी ने जहीर से शादी करके लव जिहाद को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगा है और उन्हें अपने घर रामायण का नाम बदलकर कुछ और रखने की हिदायत दी गई है। खबर है कि डायरेक्टर एटली कुमार ने सलमान खान और रजनीकांत को साथ लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एटली कुमार इस फिल्म को लेकर पिछले 2 साल से सलमान खान से बात कर रहे हैं। अब उन्हें भरोसा है कि वो रजनीकांत को इस प्रोजेक्ट में लेकर आएंगे। खबरों की माने तो अगले महीने सलमान खान और रजनीकांत से वो मुलाकात करने वाले हैं। साल 2018 में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ऐसे में तकरीबन 6 साल बाद उन्होंने इस पर से चुप्पी तोड़ी है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, मैं जानता था कि ये सब झूठ था, इसलिए मुझे इन बातों पर गुस्सा नहीं आया। हर कोई सच जानता था, उस समय मैं क्या कह सकता था जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक कोई कहता है कि तुमने ये किया वो किया, इन सब बातों का भला मैं क्या उत्तर देता? क्या मुझे कहना चाहिए था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? मैं सच्चाई जानता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। नागार्जुन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में एक्टर के बॉडीगार्ड को एक विकलांग फैन को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है। ने श्रद्धा निगम और जेनिफर विंगेट के साथ अपने डिवोर्स पर पहली बार बात की है। उन्होंने कहा है कि ब्रेकअप या तलाक के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, बाद में जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये अच्छे के लिए हुआ। मुझे कभी भी अपने जीवन में होने वाली फालतू बातों के बारे में किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी गंदगी को संभालने के लिए उस तरह की प्राइवेसी का हकदार है। लाइफ में कुछ चीज आपको अकेले ही झेलनी होती है और ये सभी के साथ होता है। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन की चारों तरफ फैली दीवानगी को और बढ़ाने के लिए मेकर्स ने एक जबरदस्त ऑफर लाया है। अब दर्शक बाय वन गेट वन फ्री टिकट को बुक माई शो पर बुक कर सकते हैं ताकि इस शानदार कहानी को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुँचाया जा सके। इसकी जानकारी खुद मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। अक्षय कुमार ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर अपने माता पिता की याद में आज 300 पेड़ लगाए हैं। उनके इस कार्य की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। सोनाक्षी जहीर के वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड के स्टार्स ने लगाया 4 चांद। भाईजान सलमान खान से लेकर रेखा, काजोल, रवीना, अनिल कपूर जैसे कई सेलेब्स हुए शामिल।